नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश अंचल में हूँ आपके साथ महेश जैन। आज हम बात करते हैं नीमच की, जहाँ नीमच नगर पालिका के जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते किस तरीके से शहर में बिना नगर पालिका की अनुमति की अवैध निर्माण हो रहे हैं। नीमच नगर पालिका जो अवैध निर्माण कार्य व अवैध अतिक्रमण को लेकर हमेशा सुर्खियों में दिखाई देती है, इन दिनों नगर पालिका से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही बंगला बगीचा क्षेत्र में अवैध निर्माण बिना अनुमति के नगर पालिका के पूरा कर दिया गया। लेकिन बावजूद नगर पालिका के जिम्मेदारों ने इस निर्माण कार्य को रुकवाने का प्रयास नहीं करा। आखिर जो नगर पालिका के पार्षद छोटी छोटी बातों पर हंगामा करते हैं, आखिर क्यों नगर पालिका के 100 मीटर की दूरी पर बंगला बगीचा क्षेत्र में बिना अनुमति के हो रहे निर्माण कार्य को लेकर आखिर कांग्रेस के पार्षद और बीजेपी के पार्षद खामोश को दिखाई दे रहे हैं। वहीं पूरे मामले में नगर पालिका के जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली भी पूरी संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। वहां होटल बनकर तैयार हो चुकी है और वहां होटल मधुवन का शुभारंभ भी कर दिया गया है। इसके बावजूद जब नगर पालिका के सीएमओ कुरैशी से बात करी तो वह सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित दिखाई दिए। उनका कहना है कि पंचनामे से लगाकर नोटिस तक दिए गए थे। साथ ही बहुत ही जल्द इस मामले में नगर पालिका न्यायालय में याचिका का दायर करेगी और मामला पूरा न्यायालय में ले जाया जाएगा। फिर देखना यह होगा कि सीएमओ कह जरूर रहे पर क्या कागजी कार्रवाई वास्तविकता में हकीकत धरातल पर दिखाई देगी, या फिर ऐसे ही शहर में बिना अनुमति के अवैध निर्माण कार्य चलते रहेंगे। कोई अनुमति नहीं दी गई थी, हमने उसमें पंचनामा बनाया, उनको नोटिस भी जारी किए हैं, लेकिन अब कुछ परिस्थितियाँ हैं उसकी वजह से वो हुई है और हम उसको कोर्ट में चालान पेश कर रहे हैं। सब सरासर झूठ है, मैं तो कोर्ट में चालान पेश कर रहा हूँ उसके खिलाफ।